नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न भर्तियों के जरिए चयनित लगभग 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने सोमवार को बताया कि इस अवसर पर PM मोदी नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। PMO ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुखता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। वित्त सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, गृह मंत्रालय सहित कई विभागों में नई भर्तियां की गई हैं। बयान में कहा गया कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेले से युवाओं को उनके सशक्तिकरण और देश के विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। नवनियुक्त कर्मियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। यहाँ 400 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर से 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। अब तक कई चरणों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।